छोड़ के चले गए, ये हो रहा है वो हो रहा है। दीपक भाई रिकनेक्ट करना पड़ेगा यार। अच्छा इस कारण से हुआ क्या? अच्छा, नहीं है, रिकनेक्ट के लिए आ रहे हैं, मैं कर रहा हूं, है ना। दीपक जी, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. And I'm स्क्रीन connected. शेयर कर दी मैंने अगेन आपको, है ना। All right. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, प्लीज प्लीज मुझे एक बार वहां तक पहुंचाइए। डिफेंस और सीडीएस चला, आप बोल रहे थे कि जॉब कम था। हाँ वो बताऊंगा भाई, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दो दोस्त, क्या नाम है आपका? सर सुंदरम। सुंदरम जरूर बताऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा उससे। क्लियर है? ठीक है, तो I was telling about various sectors जहां आप after mechanical engineering जा सकते हैं। So I was telling about, I told about GATE, I told about CAT GRE, I told about defense. Now coming towards the main topic, private job में ये मैंने जो नीचे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग डोमेन लिखे, ये सारे के सात के सात के बारे में सबको पता है क्या? No, sir. एक बार पढ़ लीजिए सब लोग, देखिए सात के साथ के बारे में सबको पता है क्या कि सात क्या क्या चीज है? डू यू नो दैट एनीवन? यस सर। एक बंदे को पता है, किसी और को पता है? यस सर। दो लोगों को पता है? यस सर। मतलब काफी लोग, काफी लोग। ठीक है, तो आप जब इंडस्ट्री में एंटर करते हैं या किसी भी प्राइवेट जॉब में एंटर करते हैं तो ये ही सात डोमेन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जहां पर आप जाते हैं। या तो प्रोडक्शन लाइन में जाएंगे, या तो क्वालिटी में जाएंगे, या तो डिजाइन में जाएंगे, इधर यू विल परचेज और सेल्स, इधर यू विल गो इन आरएनडी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इनके अलावा मैकेनिकल में कोई और सब डोमेन है ही, बाकी सारी चीजें इनके अंदर ही, इस पूरे अम्ब्रेला के अंदर ही फॉल करता है। तो फर्स्ट वी हैव टू नो, वी हैव टू कंक्लूड दैट हमें इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी डोमेन है इसमें से किस डोमेन में इंटरेस्ट है। आपको सारे डोमेन में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, प्लीज नोट दिस। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को तो सारे डोमेन में इंटरेस्ट है और आई एम गुड एट एवरी सिंगल थिंग। या तो आप प्रोडक्शन में अच्छे होंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको बहुत अच्छी लगती होगी, या तो आपको डिजाइन बहुत अच्छी लगती होगी। बहुत सारे लोग दोज हु हैव डन वेरियस डिजाइन कोर्सेज सच एज कैटी और एनसेस, उनको लगता होगा कि यही चीज़ मेरे को और कराई जाए तो ये बहुत अच्छी। कुछ लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, वो किसी से भी बात करने में उनका जो न्यूट्रिशन स्किल होगा, उनको किसी से भी कुछ भी बात करने में डर नहीं लगता होगा। These people are best suitable for sales and purchase. कुछ लोगों को अपने हाथ से काम करने में बहुत अच्छा लगता है, उनको नट बोल्ट ओपन करने में, चीजें खोल के देखने में, सीखने में बहुत अच्छा लगता है। These people are very much suitable for operation and maintenance. Some people are very good with tolerance and fit.
कुछ लोग बहुत अच्छे कैलकुलेशन में होते हैं, दे आर वेरी गुड इन, दे आर वेरी गुड एंड वेरी मच सूटेबल फॉर क्वालिटी. तो फर्स्ट वी शुड नो कि हम किस चीज में बैठे. जैसे जेन्युइनली आप रैंडम जाएंगे तो आप हमेशा यही कहते रह जाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब. कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप अच्छे किस चीज में. यस आई एग्री. यस सर एग्री. आपके आपके अंदर क्या ऐसी चीज है क्वालिटी जो आपको डिफर करती है. देखिए आपके बैच में 120 लोग पढ़ते होंगे तो 120 के 120 लोग एक जैसे नहीं होते. सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी तो जो उनको बगल वाले से डिफर करती है. चार साल मिलते हैं दोस्त आप लोगों को, इन चार सालों में यू शुड नो कि वो कौन सी क्वालिटी है आपकी जो आपको डिफर करती है. थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मैं सारी चीज़ों के बारे में ताकि आपको नॉलेज रहे कि क्या, जिसको नहीं भी पता हो थोड़ा सा पता चलता रहे कि क्या काम होता है इन चीज़ों. जैसे कि मैंने बताया आपको प्रोडक्शन सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है मैंने. अभी मैंने स्टील मेकिंग प्रोसेस बताया. तो स्टील मेकिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले जो आपको मैंने प्लांट में फेड किया है वहां से लेके फाइनली जो फिनिश गुड तक लेके आया हूँ इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड रोलिंग मिल्स और सीआरएम और कॉइल के फॉर्म में, वो सारा प्रोसेस कम्स अंडर प्रोडक्शन एंड हियर यू विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन इंजीनियर. ठीक है sure, okay. नेक्स्ट, कितने लोगों ने यहाँ पे सिक्स सिग्मा और लीन सिक्स सिग्मा के बारे में सुना है? Has anyone heard about it? सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन, लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, has anyone heard about it? कितने लोगों ने सुना है? सर सिक्स सिग्मा तो सुना है. हाँ ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ आपको. चीजें जो नहीं सुनी है वो सिर्फ वही बताना चाह रहा हूँ. सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन आपको जो होता है वो सारी चीजें फॉल्स अंडर क्वालिटी. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है सारी चीजें आपकी क्वालिटी के अंदर फॉल. तो जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज गूगल इट एंड लर्न अबाउट इट. जरूरी नहीं आप करें बट आपको पता होना चाहिए. डिज़ाइन हम सब जानते हैं डिज़ाइन में हम क्या करते हैं. डिज़ाइन में डिज़ाइन जो लोग ने कोर्स किया है, जिन्होंने कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कोई डिज़ाइन के प्रोग्राम सीखे हुए हैं, तो दिनों के डिज़ाइन क्या होता है. डिज़ाइन के सबसे पहले कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होता है तो उसके पहले डिज़ाइनिंग होती है, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, सिमुलेशन होते हैं. ठीक है, इस फील्ड में जो जाना चाहते हैं दे शुड लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर, दे शुड लर्न अबाउट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर. और हर एक कंपनी में हर एक OEM जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, सारे कंपनी का पहला पॉइंट होता है वो डिजाइन इंजीनियर के लिए ही होता है. क्लियर? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट आपका परचेज आता है. परचेज इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री. परचेज दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट परचेज एंड डायरेक्ट परचेज, जिसको बायर भी कहते हैं. तो हर एक इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर्स हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, तीन डोमेन से ही परचेज इंजीनियर उठाए जाते हैं, जो कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कमोडिटी को परचेज करते हैं. ठीक है, और परचेज के बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि जो परचेज इंजीनियर होते हैं वो तो दो से तीन साल तक अपना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, देन दे गो फॉर MBA. और MBA जो लोग आफ्टर परचेजिंग के बाद जाते हैं हमेशा उनको एक अपर हैंड होता है, बिकॉज दे नो अबाउट टेक्निकल एज वेल एज कमर्शियल. तो टेक्नो कमर्शियल रोल हो जाता है, उसको थोड़ा सा भी टेक्नो कमर्शियल में इंटरेस्ट है दे शुड गो इन दिस फील्ड. सेल्स इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री. जब तक चीजें बिकेंगी नहीं, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, किसी की सैलरी नहीं होगी. तो सेल्स के लिए मैं पहले प्रेफर करूंगा, पहले सलाह दूंगा जो लोग बातचीत करने में अच्छे हैं, जिन लोगों को हेजिटेशन नहीं होता, दे शुड गो इन दिस प्रोफाइल. और सेल्स की ओपनिंग्स हर एक कंपनी में हमेशा ओपन होती है, हमेशा. सेल्स में वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके कोई भी यू नो आप मेरी बात समझ रहे हो. तो सेल्स में आपको OEM सेल्स की बात करूंगा. द लास्ट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो कि मैंने आपको क्लियर किया. ऑपरेशन मेंटेनेंस दीपक जी. यस सर.
सेल्स में जो कि आप बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ उनको डिफरेंस बताइए कि जनरल सेल्स में और इंडस्ट्रियल सेल्स में अंतर क्या है, बिकॉज वो सेल्स जो पान की पुड़िया से लेके इंश्योरेंस सेल है ना, वहां तक लोगों के दिमाग स्टक होते हैं। क्लियर कर देता हूँ सर, जो इंडस्ट्रियल सेल्स है उसको थोड़ा सा दो लाइन में क्लियर कर दीजिए प्लीज, सो दैट ये समझें कि वो मैकेनिकल वाला जॉब है ना कि एमबीए वाला जॉब। दोस्तों देखिए सर ने जैसे बताया कि सेल्स का तो पान की पुड़िया से लेके आपका इंश्योरेंस तक का सेल्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सारा चीज कर सकता है, बट डिफरेंस का मैं वो समझाता हूँ आपको। मैं सेल्स भी दो टाइप का होता है आपका, B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। आप जब इंडस्ट्रियल सेल्स में आते हैं, आप व्हेन जॉइन एनी कंपनी सच एज टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी और एनी मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट पंप्स का भी होता है, वहां पे आप दो लोगों के पास जा जाके सेल नहीं करते, आप दुकान दुकान पे घरों घरों में जाके सेल्स नहीं करते। यू आर गिवन आपको सेमिनार कंडक्ट कराने का मौका मिलता है, आपके ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपका खुद का एक फेयर में लगाने का मौका मिलता है, जहां पे यू प्रोजेक्ट योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, बताते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके टेक्निकल प्रोस्पेक्ट के बारे में, आप अपनी चीज को प्रेजेंट करते हैं, देन सामने वाला जो बायर होता है, जो खरीदार होता है, जो भी आपका इंडस्ट्री होती है, वो आपके पास आती है, यू नो इफ यू आर इफेक्टिवली प्रेजेंटिंग योर थिंग, देन वो आपके सामने आके आपसे बात करते हैं कि सर ये आपका प्रोडक्ट है तो इसके बारे में क्या क्या बात, देन वहाँ सेल्स की डील होती है, ना कि आपको घर घर जाकर किसी से बेचती है। पहली पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी रहता है सेल्स का एक प्रोस्पेक्टिव कि हमें कॉलिंग करनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट कॉलिंग होगी, रात रात भर दिन दिन भर फोन लगाना पड़ेगा, हेलो सर मैं फला फला कंपनी से बात कर रहा हूँ, कैसे। इंडस्ट्रियल सेल्स इज नॉट एज रिस्की बिजनेस। अगर आपको इंडस्ट्रियल सेल्स के बारे में कभी कोई नॉलेज मिल रहा है, कभी कोई ऑफर कर रहा है, एंड यू आर गुड इन टॉकिंग विद पीपल एंड यू आर गुड इन कम्युनिकेटिंग, तो आपको डिफरेंस आप पता रहेगा। तो अभी क्लियर हुआ आपको सेल्स का डिफरेंस सब लोगों को? यस सर, यस सर। तो आगे बढ़ूं मैं? यस प्लीज, यस सर, यस सर। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू। Okay, so this is the last slide. Is it visible to everyone? Yes, sir. Deepak ji. Okay. Okay, so मैंने यहाँ पे broad, you know, highlight करके चीज लिखी हुई है। Marks don't matter, and a single sheet of paper can't decide your future. ये दो sayings होती हैं जो आज के time में, आज की generation में, क्योंकि startup का दौर चल रहा है ना, लोग इन पर बहुत believe करने लगते हैं। I urge, please don't believe in such things. Marks do matter. आपके professional life में wherever you go, जहां भी आप जाएंगे, whatever you want to do, आपके marks हमेशा matter करेंगे। अगर ये किसी के mind में myth है, किसी के mind में ये doubt है कि मैं तो कुछ भी पढ़ूंगा, मैं तो कुछ भी करूंगा, मेरे marks matter नहीं करेंगे, तो please consider it. और मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड इन देयर एकेडमिक्स इन देयर ग्रेजुएशन टाइम, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, दे वेंट फॉर कैट, उन्होंने कैट एग्जाम लिखा है फॉर MBA, कैट में दे हैव स्कोर्ड अ 99th percentile, जब 99th percentile के बाद उन्होंने अप्लाई करने गए तो उनके 12th के मार्क्स कम थे, तो वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए अच्छे कॉलेज के लिए। आई नो अ लॉट of people जो project practical mechanical engineering में बहुत अच्छे थे, they have a lot of knowledge,
बट जब कंपनी इस कॉलेज में आई शॉर्टलिस्ट करने के लिए और उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि 70% क्राइटेरिया होना चाहिए उससे टेना कैंपस, तो वो क्राइटेरिया में शॉर्टलिस्ट नहीं होता, दे वर अनेबल टू सिट इन प्लेसमेंट। तो प्लीज मेहनत करते रहिए और मार्क्स लाते रहिए। Am I clear? Yes, sir. ठीक है, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी एंड टिप्स में आपको सबसे पहले ये बताया है कि एंजॉय योर फर्स्ट ईयर एज इट इज द फंडामेंटल ईयर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट इंजीनियरिंग रियली इज। इफ यू फाइंड इट लेस इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग देन और वांट टू डू समथिंग एल्स, लीव इंजीनियरिंग देन एंड देयर। फर्स्ट ईयर में आने के बाद अगर आपको ये लगता है कि इंजीनियरिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, अगर आपको लगता है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई और पैशन है जो मुझे फॉलो करना है, कोई और ड्रीम है जो मुझे फॉलो करना है, प्लीज डोंट डू इंजीनियरिंग, वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि चार साल के बाद आप खुद को भी ब्लेम करेंगे और जिसके वजह से आप इंजीनियरिंग करना आए थे उनको भी ब्लेम करेंगे। अभी तो फर्स्ट ईयर कोई होगा नहीं यहाँ पे, या कोई है? नहीं नहीं, मैक्सिमम प्री फाइनल और फाइनल ईयर वाले हैं। राइट, और इफ यू फाइंड इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग देन एम्ब्रेस इट एंड यू विल फाइंड एवरी सिंगल थिंग इन दिस विल वेरी फैसिनेटिंग। हर एक चीज आपको बहुत अच्छी लगती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स बी क्लियर अबाउट योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव आफ्टर फोर इयर्स। सेकंड ईयर से ही अब आपको अपने गोल के बारे में क्लियर और क्रिस्प रहना पड़ेगा कि आपको चार साल के बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे। आप एमटेक की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ईयर से गेट प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि आपको चार साल बाद एमबीए करना है तो प्लीज प्रेफर फॉर कैट एंड जीआरई व्हाटएवर यू वांट टू डू। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को गेट और कैट दोनों नहीं करनी है, वांट टू डू अ प्राइवेट जॉब थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, स्टार्ट इवॉल्विंग, स्टार्ट रीशेपिंग, बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन। पर कंपटीशन मतलब ये नहीं होता है कि आप पीछे हट जाए। और दो साल सेकेंड ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तीन साल इज बहुत टाइम है आपके पास अपने आप को रीशेप करने, नई नई चीजें सीखने के लिए। लर्न एटलीस्ट टू डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एंड वन डिजाइनिंग एंड वन एनालिसिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कम से कम दो सॉफ्टवेयर सीखे, जरूरी मैंने चार और पांच की बात नहीं करी, आपको एक डिजाइनिंग और एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर आना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने जो डिजाइन किया उसको एनालिसिस आप खुद ही कर पाए। और इसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन आप वहां कर सकते हैं, आप थर्ड ईयर में होंगे, आप सेकंड ईयर में होंगे, यार मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को बता रहा हूँ, मैं गो कार्ट रेसिंग चैंपियनशिप होती है, आप में से किसी ने पार्टिसिपेट किया उसमें? यस सर। यस सर। गो कार्ट होता है, एटीवी होता है, बाहा होता है, हैव यू एनीवन पार्टिसिपेटेड ऑन दिस? Yes, sir. अगर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं एज अ टीम तो आप पहले उसमें अपना गो कार्ट को डिजाइन करते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं, फेलियर टेस्टिंग होता है, तो आप वहां पता चलता है कि डिजाइनिंग में एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर और एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जिसने किया होगा उनको पता होगा। क्लियर? ठीक है। Clear of technical concepts always as conceptual clarity only will lead you to success. अगर आपको आपका concept clear नहीं हो रहा है तो faculty के पीछे पड़ सकते हैं। मुझे पूछिए, बार बार पूछिए कि ये चीज, ये आपने मेरे को इंजन के बारे में पढ़ाया, ये काम कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि until and unless आपकी concept की clarity नहीं होगी, आप उसके आगे ना तो numerical solve कर पाएंगे ना ही किसी को समझा पाएंगे। अगर आप टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग ही नहीं समझ पाएंगे, कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी ही नहीं समझ पाएंगे, तो यू विल आप इंजन फायरिंग भी नहीं समझ पाएंगे। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर, टेक्निकल क्लैरिटी आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा आपको पता हो, पर आपको जो पता हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए प्लीज। क्योंकि आपको मैं चीज बता देता हूँ, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप क्या पढ़ के आए या आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आपसे पूछता है। फॉर एग्जांपल आपसे उसने पूछा किस फील्ड में अच्छा, आपने बोला सर मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छी आती है,
और उसने फूड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछने शुरू किए और आप वो नहीं बता पाए, उसमें लॉस किसका हुआ आपका, क्योंकि उसने पहले आपको ऑप्शन दिया था तब किस चीज में अच्छे। प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट, सारा मत जानिए, जितना जानिए उतना क्लैरिटी से जानिए। क्लियर? यस सर। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में भी ध्यान दीजिए, प्लीज बी सीरियस अबाउट मेजर ट्रेनिंग एंड मेजर प्रोजेक्ट। ये हम लोगों के बीच में बहुत ही लेमन तरीके से हम इस चीज को ट्रीट करते हैं ना, तो हम ट्रेनिंग करने जाते हैं बीएचईएल में, ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, किसी के फादर बीएचईएल में होते हैं, एक दिन जाते हैं 29 दिन नहीं जाते हैं, लास्ट में सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये होता है, आप लोग माने या ना माने, आप में से कई लोगों ने शायद किया हो, नहीं किया हो या करेंगे, प्लीज ये मत करिए। ट्रेनिंग ऐसा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जहाँ पे इंडस्ट्री को आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको कॉलेज के लिए छुट्टी रहता है, प्लीज जाइए और देखिए। और जब प्रोजेक्ट बनाने जाएं तो प्रोजेक्ट में यह मत करिए कि फोटोकॉपी में ले आऊंगा या मैं सिर्फ पैसे दे दूंगा, बनवाते रहना तुम्हें, प्लीज ये मत करिए। यही दो चीजें होती हैं जहां पे आप फिजिकली इन्वॉल्व होकर सीख सकते हैं और इनपुट दे सकते हैं, और यही दो चीजें होती हैं जिनके बारे में आप अपने इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि सर मैंने ट्रेनिंग में गया था, मैंने ये चीजें देखी हैं, ये चीज सीखी है, प्रोजेक्ट मैंने ये किया था, इसमें मैंने इतना इनपुट दिया, ये सीखा और इस चीज के बारे में मेरे को सीखना है। दीज टू थिंग शोज हाउ इन्वॉल्व यू आर। एम आई क्लियर? क्या मैं क्लियर हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होती हैं कॉलेज में, जिसको हम बंक करके निकल जाते हैं कि कौन पढ़ रहा है। प्लीज डोंट डू दिस। सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस में अटेंटिव रहिए और अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, बिकॉज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर ऑलवेज विंस ओवर लेस कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल आप सामने मोदी जी, अगर आपको बोलना आता है तो आप अगर गलत बात को भी कॉन्फिडेंस से अपने प्रेजेंट करेंगे तो वो भी एक बार लोग सुन ले। प्लीज पॉलिश योर स्पीकिंग स्किल्स प्लीज, और आपके पास मौका मिलता है आप लोगों को कॉलेज में इस चीज को अटेंड करने का तो ट्राई करिए और अटेंड करिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। सोशल मीडिया का यूज आप सारे करते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, एवरी सिंगल ऐप आपके फोन में होगी। प्लीज इंस्टॉल लिंक्डइन, प्लीज जिन्होंने इंस्टॉल किया है वेरी गुड, जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज इंस्टॉल लिंक्डइन, लिंक्डइन को इंस्टॉल करिए, प्रिपेयर योर प्रोफाइल देन एंड कनेक्ट योर सीनियर्स एंड वेरियस एलुमनाइज। आपके जो भी सीनियर्स हैं, जो भी आपके कॉलेज के एलुमनाइ हैं, जो अलग अलग जगह पर प्लेस्ड हैं, अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्लीज उनसे कनेक्ट करिए एंड कीप कनेक्टिंग टू देम। उनको बोलते रहिए कि सर कोई ओपनिंग आपकी कंपनी में रहे, अगर कोई आपका ऐसा चीज हो जो आप हमें या मुझे रेफर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, प्लीज डू दिस। एकदम बेशरम बन जाइए इस फील्ड में, क्योंकि यहाँ हमारा लिंक्डइन पे कनेक्ट करके वेरियस अलग अलग कंपनीज के एचआर से कनेक्ट करके टॉक टू देम, कम्युनिकेट, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की। बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं काफी सारी एमएनसीज और पीसीज के थ्रू, ट्राई टू अटेंड देम फिजिकली, और अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंटर्नशाला। इंटर्नशाला में आपको काफी सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलेंगे, प्लीज गूगल इट एंड विजिट एंड सी, और ट्राई टू अटेंड एज मैनी एज पॉसिबल इंटर्नशिप्स, इट विल हेल्प यू टू इवॉल्व, इट विल हेल्प यू टू ग्रो। क्लियर? कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट के साथ साथ ट्राई राइटिंग एग्जाम्स लाइक एलकैट और लिटमस। जनरली एग्जाम्स आपके सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए होते हैं, बट अब इन्होंने कोर कंपनीज को भी ऐड करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लिटमस नेशनल इंस्ट्रूमेंट को उसने ऐड किया। नेशनल इंस्ट्रूमेंट इज अ बिग नेम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड, तो ट्राई करिए आप प्री फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर में एमकैट और लिटमस जैसे एग्जाम्स को भी लिखे, दे विल इंप्रूव योर चांसेस ऑफ हायरिंग।
जो भी आपको कंपनीज आपकी ड्रीम कंपनीज लगती हैं, लिस्ट देम आउट एंड विजिट देयर कंपनीज वेबसाइट करियर सर्च, उसको देखते रहिए। वो लोग बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जिसमें फ्रेशर्स को एंट्री मिलती है। तो आपको आपके जॉब, आपको यू नो हर एक बंदे का अलग अलग एक पर्सपेक्टिव होता है कि मेरी ड्रीम जॉब, मेरी ड्रीम कंपनी है, किसी की मारुति होती है, किसी की टाटा होती है, किसी की रिलायंस होती है। ऐसी चार पांच कंपनीज को लिस्ट आउट करिए, उनके करियर पेज को हर वीक में विजिट करिए और देखिए आपके लिए वहां पे क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के टाइम पे देयर आर सेवरल न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच आर बूमिंग इन मार्केट। ट्राई टू अडॉप्ट एंड लर्न दिस टेक्नोलॉजी, जैसे मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है। अगर आप उनको फिजिकली किसी क्लासरूम से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, एंड देयर आर वेरी सोर्सेज लाइक कोर्सेरा और यूडेमी जहां पे आप इनको सीख सकते हैं। तो फिर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, प्लीज लर्न। अल्टीमेटली ये आपके ही प्रोफाइल को एनहेंस करेंगे। तो ये सारे चीजें मैंने अपने तरफ से इनपुट आपको दिया है जो मेरे को लगता है। This was all about myself. This was all about my presentation. This was all about the session. और किसी का कोई doubt हो, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी आपका doubt हो रहा हो, please ask. बस एक selection कैसे हुआ था उसके बारे में जान सकते हैं? Please एक बार अपना आप नाम बताएंगे, आप कौन से year में ये बताएंगे, आपका dream company कौन सा ये बताएंगे, then question पूछिए। शनी, मैं फोर्थ ईयर में था, कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कैंपस प्लेसमेंट में ही एथेरॉक माइनिंग इंडिया लिमिटेड करके कंपनी आई हुई थी। अब मैं तीन कंपनीज में बैठा था शनी, एथेरॉक में, there is a company called Bonfiglioli Transmissions Private Limited which is in Chennai, it is an Italian company, aur ek aur company, teen companies mein baitha tha placement mein, mera teen mein placement hua, so is tarike se mera starting hua professional career. Clear hai aapko? Yes sir, thank you sir. Anyone else? जो आपके माइंड में आ रहा पूछ लीजिए अभी, शर्मा जी मुझे पता नहीं क्या होगा, पूछूंगा तो क्या होगा। तो सांस सर, आई हैव योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट योरसेल्फ। आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसको पूछना हो, या फिर जो डायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं दे कैन आल्सो आस्क डायरेक्टली। हेलो सर, हेलो आदेश। यस सर। सर वो सेल्स के बारे में आपने बताया, सर सेल्स में आपने बताया कि मतलब जनरली जो होता है सेमिनार्स करके, मतलब अपन क्या कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं सर, या कोई और भी कोई और मतलब मींस उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं? आदेश बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं बताता हूं आपको। B2B और B2C दो टाइप का सेल्स होता है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं दोनों चीजों का। फॉर एग्जांपल आप आपकी फेवरेट कार कौन सी? सर BMW। BMW जब कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो BMW जब कार बेचेगा तो किसी पर्सन को ही बेचेगा, किसी इंसान को ही बेचेगा, यू नो
वो बिजनेस टू कस्टमर बेचेगा, हमें क्लियर? यस सर, है ना, बिजनेस टू कस्टमर बेचेगा, किसी इंसान को बेचेगा, एक तरह का सेल्स का ये होता है। सेकंड फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं, आपने देखा होगा अपने डंपर्स बड़े बड़े देखेंगे, एक्सकेवेटर्स देखा होगा, एक्सकेवेटर्स आपने देखा होगा कि जो क्या आप ऐसे समझिए जेसीबी समझिए, देखा होगा अपने बैकहो लोडर जो होता है। यस सर, जेसीबी को जब कंपनी सेल करती तो जेसीबी को या तो किसी बिजनेस को सेल करती जो बड़ा सा बिजनेस चला रहे होते, ठीक है, या फिर जेसीबी किसी एक पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको भी सेल करेगा। तो बी टू बी और बी टू सी इस तरीके से काम करता है। काफी सारे तरीके होते हैं सेल करने के, आप कस्टमर से मिलते हैं, सेमिनार्स होते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं, बहुत ईजी रहता है। आप जानेंगे इस चीज के बारे में, गूगल करेंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट। और आपको और जानना है तो मैं आपको अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे, सर से नंबर ले लीजिएगा मेरा, मैं वहाँ भी। दीपक जी, ओके सर, वी हैव ओनली 5 to 8 मिनट्स लेफ्ट विद द सेशन, सो आई विल बी शेयरिंग योर नंबर इफ यू अलाउ विद द स्टूडेंट्स। यस सर, वी कैन शेयर। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ टू डॉक्टर दिनेश कुमार कोहली सर to finally give the vote of thanks to our youngest youngest alumni who has achieved very good. Sir, are you there with us? Okay sir, am I audible sir? Yes, very much. Okay, so let's see, now it is good afternoon because time is 12:15 and I was hearing all this session and I think it was a wonderful session. And that was given our alumni, Mr. Tripathi. And I think, first of all, I would like to say thanks and thanks a lot to Mr. Deepak Tripathi ji, who has given time to share with our students. And I think he has shared starting from the starting point and at each and every step, what our students should do in the direction when they are reaching to the industry, when they are working with the industry, and what preparations they should do. So, मुझे लगा कि सर जो दीपक जी ने जितना जो अपना नॉलेज शेयर किया है, हर स्टेप पे स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से आगे तैयारी करना है, किस प्रकार से फंडामेंटल नॉलेज आपको लर्न करना है एट द लेवल ऑफ द कॉलेज, पीडीसी क्लासेस हो रही हैं या इंटर्नशिप हो रही हैं, in covering all the fields he has covered at each and every, so I think it is a wonderful session and our students should learn ki aapke hi yahan se jo pass out students hain yahan par is achhi position par pahunche hain jinhone itna apna mehnat karke wahan tak pahunche hain, isse college ka naam bhi aage badh raha hai as well as aapke liye ek motivation hai and I think it is the best example you can see share with you that if you work hard in the field of mechanical engineering, because mechanical engineering ka domain ab badal chuka hai, now it has been changed, it is a broad level, isme hamara kafi AI vagere bhi aa gaya hai aur computer domain bhi kafi include ho gaya hai, there are a lot of software also, so sare student isme apna work kare, acche se mehnat kare aur I think whatever the suggestions, guidelines you have got the knowledge from Deepak ji, I think this is very very beneficial to students. And from our Department of Mechanical Engineering, on behalf of our HOD sir, I would like to thanks that the chance has been given to me to share vote of thanks to you all. So, pure whole department के लिए जिन्होंने ये program organize किया, because I am also the convener of IIC Institution Innovation Council. So, thank you very much for the department, for our HOD, and I have also seen. Our deputy director Dr. Meenal Saxena, she was also present there and she also interacted with the in student as well as with our expert and all the faculty member who are involved here who are also participating and we have given time to all the students who have given time and having their thanks to all of you directly and indirectly who have been connected and Deepak ji I request you have given a very very good session here and further
we would be in contact with you so that our students can be benefited. They can get contact with you. Deepak ji, आप समझ पा रहे हो मुझे? Yeah, thank you, sir. It's an honor. हाँ, ना? तो मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट को जहाँ भी हेल्प है वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपका ईमेल आईडी इवन आपका फोन नंबर शेयर करेंगे, सो दैट उनके लिए आगे भी आपसे गाइडेंस मिलता रहेगा. बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने ज्वाइन किया और आपका जो नॉलेज था डोमेन का आपने कम्प्लीटली और बेहतरीन तरीके से आपने शेयर किया. एंड वी आर रियली रियली हैप्पी विद दिस. सो आई थिंक विद ऑल दीज वर्ड्स congratulating as well as thanking you sir to you and all the certificate students. Yeah, okay, thank you so much. Thanks a lot to you all. Thank you sir. Thank you so much. Yeah. Thank you so much Deepak ji for sharing and kindly update us on your achievements in your job profile and personal life as well, and keep guiding to your younger ones. Thank you. I am also handling this mechanical alumni also, so at least keep me updating with your achievements. And I would like to thank from the core of my heart to all the seniors and each one of you for your gracious presence and patient listening. And if you want, we would connect again with Deepak ji if time allows. Thank you one and all. Thank you and good luck to all. Thank you Deepak. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.